बड़ी खबर का रुख करते हैं दौसा से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खड़े ट्रक से टकराई निजी कोच की बस। हादसे में कोच में सवार करीब आधा दर्जन यात्री जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को पहुंचाया गया है जिला अस्पताल। काराखोट के समीप NH21 पर हुआ हादसा। आगरा से जयपुर जा रही थी निजी कोच की बस, पहले से खराब खड़े ट्रक से ये बस जा टकराई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन ये हादसा और हादसे के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। हालांकि दौसा में कालाखो के समीप NH21 पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक खराब खड़े ट्रक में पीछे से आ रही यात्री कोच बस जा टकराई। निजी कोच की बस थी, इसमें यात्री सवार थे। हादसे में कोच में सवार करीब एक दर्जन यात्री जख्मी हुए हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, दौसा से खबर है, खड़े ट्रक से टकराई निजी कोच की बस। हादसे में कोच में सवार करीब एक दर्जन यात्री जख्मी हुए। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? खाटू श्याम दर्शन के लिए। सभी लोग वहाँ के ही हो? हाँ, सब लोग वहीं कोई मतलब है, सब लोग सीतापुर के। सीतापुर के सर ब्लॉक सबके अलग अलग है, कोई बिश्वा से है, कोई सिधौली से है, इस तरह सब लोग हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, दौसा से सहयोगी लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, क्या जानकारी इस खबर को लेकर पूरी, जिस हादसे की तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको लेकर लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, हादसे की तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए, क्योंकि हादसे के बाद अस्पताल पहुंचाया गया सभी का, इलाज जारी, लेकिन हादसे को लेकर के क्या जानकारी और सामने आई, खड़े ट्रक से निजी कोच बस की टकराने की जानकारी थी। लक्ष्मीकांत आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता देता हूँ पूरा जो घटनाक्रम है। ये NH21 पर कालापुर गांव के पास हुआ है। ये जो बस है ये सीतापुर यूपी से खाटू श्याम जी भक्तों के साथ में जा रही थी, और कालापुर के पास में पहले से एक ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसमें ये बस जो है पीछे से टकराई है। कुल 8 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, जिनको दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और जो चालक है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसको जयपुर रेफर किया जा रहा है। जी, सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि क्या वजह दुर्घटना के दौरान रही। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, इस हादसे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लक्ष्मीकांत, कोई ऐसा जख्मी जिसकी स्थिति अभी गंभीर है, या फिर सभी अब खतरे से बाहर हैं? एक दर्जन यात्री इसमें सवार थे, और अब हादसे के बाद जब बात की गई होगी कोच से, कोच के ड्राइवर से, तो फिर क्या उन्होंने जानकारी दी कि अनियंत्रित हो गई थी बस? देखिए, इसमें जो चालक है उसकी हालत गंभीर है, लेकिन चूंकि एक घायल है महिला, उससे इस संदर्भ में बात भी हुई थी। तो क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ज्यादातर जो पैसेंजर्स होते हैं वो सोए हुए होते हैं, तो ज्यादातर पैसेंजर कोई एहसास नहीं है कि हादसे की वजह क्या है, लेकिन चूंकि वो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, तो सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 8 लोगों को ज्यादा चोट लगी है, और जो चालक है उसकी हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, उसको जयपुर रेफर किया जा रहा है, चूंकि उसके कई गंभीर चोटें हैं। क्योंकि जो ट्रक है उसमें पीछे से बस टकराई है, तो निश्चित रूप से नुकसान जो भी हुआ है वो बस को जाता है। ठीक कह रहे हैं, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।